इस प्रकार के भट्ठे लगा के बिना कोयले से भी मुर्गी के वेस्ट से पकाया जा सकता है, बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कैसा करें क्यों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं ईंट भट्ठे में, जो कि गोल वाला भट्ठा है। तो ये देख सकते हैं ये किस प्रकार है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें कि ईंट कितनी अच्छी आई हुई है, क्योंकि दोस्तों इसमें कोयला बोला जाए तो बिल्कुल भी नहीं डाला गया है। ये देख सकते हैं इसमें का कोयला इसमें इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। तो दोस्तों बोला जाए कि इस भट्ठे में यदि कोयला इस्तेमाल नहीं किया गया तो क्या किया गया है, इसमें क्या चीज़ डाला गया है जिसकी वजह से ईंट इतनी अच्छी पकी हुई है। तो दोस्तों बता दूँ, इसमें सिर्फ मुर्गी का वेस्ट डाला गया है। तो ये देख सकते हैं मुर्गी का वेस्ट डालने की वजह से ये लोडिंग पड़ने पर इतने ऊपर में आके रुका हुआ है, क्योंकि यदि कोयला डाला होता तो कोयला भी इसमें दिखता है, लेकिन कोयला डाला ही नहीं गया है। ये देख सकते हैं पूरा मुर्गी का वेस्ट ही डाला गया है। तो काफ़ी अच्छी ईंट आई हुई है। तो दोस्तों इसमें दो दो चांप लिया गया है, ये देख सकते हैं नीचे से, यहाँ नीचे का जो वाला भाग है तो उसमें एक चांप लिया गया, क्योंकि नीचे जो लकड़ी होती थी तो उसमें एक ही चांप लिया गया है। यदि ज़्यादा लकड़ी डाली जाती है तो उसमें दो चांप लिया जाता है, लेकिन उसके बाद दो दो चांप लिया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर डाला हुआ है, फिर एक दो ही इसके बाद पुनः डाला गया है, फिर एक दो इसके बाद पुनः, फिर उसके बाद एक चांप लिया गया है, और फिर ऊपर से टूटते हुए डाला गया है। तो ये देख सकते हैं इसमें दो दो चांप लिया गया है, क्योंकि मुर्गी का वेस्ट लिमिट में डाला गया है, इसलिए दो दो चांप डाला गया है। यदि ज़्यादातर डाला जाता है मुर्गी का भी वेस्ट तो इसमें तीन चांप ले लिया जाता, और मिट्टी की क्वालिटी भी यहाँ पर दो ही चांप उठाने के लिए है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी थोड़ा ईंधन इसी प्रकार लेती है कि इतने वेस्ट में इतना ईंट पक जाती है, इस आधार पर इसको पकाया गया है। दोस्तों बात की जाए कि नीचे जो लकड़ी डाला जाता है तो इसको कितनी हाइट तक या कितनी ऊंचाई तक या कितना डाला जाता है, तो गाइस इसमें बता दिया जाए कि कितनी भी मोटी डाला लकड़ी डाली जाए, मोटी डाली जाए या पतली डाली जाए, लेकिन लिमिट में डाली जाए तो इसको करीबन एक बित्ते तक दिया जाता है, एक बित्ते या इतनी हाइट तक दिया जाता है, एक ईंट खड़ी तक दिया जाएगा, और उसमें एक चांप लिया जाता है, एक ईंट खड़ी जिस प्रकार ये खड़ी ईंट है उसके आधार पर लिया जाता है। और अदरवाइज आपकी मिट्टी आपके यहाँ की थोड़ा लो क्वालिटी की या हाई क्वालिटी की है तो उसके आधार पर इसको आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों ईंट एक ऐसी प्रकार की ईंट होती है कि यदि ये बच भी जाती है तो इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल इससे करके निकलती है। तो दोस्तों ईंट का उपयोग इस प्रकार है कि हर एक इंसान अपने जीवन में एक बार ना एक घर जरूर बनाता है, इस प्रकार ईंट की उपलब्धि भी यदि रहती है तो इसमें बचने का रीज़न नहीं रहता है, ये कभी भी निकल सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार ईंट लगा के, इस प्रकार ईंट पका के, इसमें जैसा कि दिखाया गया कि इसमें कोयला बिल्कुल भी नहीं डाला गया है, तो देख सकते हैं बिना कोयले के भी गोल भट्ठे में ईंट पकाई जा सकती हैं, और वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ईंट पकती हैं। तो दोस्तों इसको हम चारों तरफ से दिखाते हैं, क्योंकि ये गोल वाला भट्ठा है, तो चारों तरफ से देखने पर किस प्रकार है, क्योंकि ये चारों साइड से तो खुला नहीं है, क्योंकि अभी बरसात का समय है तो गाड़ी अभी लग नहीं रही है, लेकिन इस दो साइड से खुल गया है। ये किस साइड से खुला है, ये इतना वाला भाग खुल गया है, तो ये देख सकते हैं इस साइड से भी काफ़ी अच्छी ईंट आई हुई है, और ये किनारे किनारे की कुछ ईंट कालापन आ गया है। और इस साइड से करीबन दो ट्रैक्टर यानी 4000 ईंट निकली हुई है, एक ट्रैक्टर में 2000 ईंट जाता है, और करीबन ये भट्ठा होगा करीबन 60000 तक का होगा। तो यहाँ के लिए इतना, तो गाइस जितना बड़ा हो सके तो उतना बड़ा भट्ठा लगाया जा रहा है, क्योंकि बड़े भट्ठे में ज़्यादा अच्छा रहता है, ईंट भी ज़्यादा जाती है और बजट भी कम पड़ता है ईंट पकाने में, क्योंकि लॉन्ग भट्ठा रखने पर आपका बहुत ईंट अंदर में कम ईंधन में पक जाता है, क्योंकि किनारे किनारे थोड़ा ज़्यादा ईंधन डालना पड़ता है भट्ठे में, यदि लेवल पर डाला जाए तो बीच की ईंट गलने का भी डर रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा भट्ठा लगाया जाए। साइड का देखा जाए तो ये देख सकते हैं इस साइड का थोड़ा इस प्रकार आया, क्योंकि इसमें जब आग डाला गया था या फिर जैसे ही आग बाहर आई थी उसी समय पानी भी आ गया, क्योंकि ये लास्ट सीजन था, बारिश का भी समय आ गया था। तो ये देख सकते हैं इधर पानी, धान भी लग गई है, मतलब इधर भी पानी, अभी कल ही पानी गिरा था, तो खैर इसमें जब आग आई थी उस समय इसमें पानी आ गया, तो देख सकते हैं यहाँ की ईंट कुछ इस प्रकार हो गई। तो ये किनारे किनारे की कुछ ईंट कालीपन आ गया है, कालापन, लेकिन नीचे अंदर की ईंट जैसे आ रही तो काफ़ी अच्छी आ रही है, ये देख सकते हैं इसमें कभी इस प्रकार है, तो ये किनारे किनारे में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन अंदर की ईंट काफ़ी अच्छी आई है। तो यहाँ इस वाला भाग जो है तो ये इस प्रकार है, तो सोच सकते हैं आप कि अंदर की ईंट जो होंगी तो कितनी अच्छी आई होंगी। तो इस प्रकार ये बिना कोयला का भट्ठा भी काफ़ी अच्छा पका हुआ है, तो इससे भी काफ़ी अच्छे से पैसे कमाया जा सकता है इस प्रकार ईंट पका के, क्योंकि कोयले से तो ईंट काफ़ी अच्छी पकती हैं, यदि इस प्रकार भी पकाया जाए तो और भी अच्छा रहता है।
तो इस प्रकार के भट्ठे लगाए जा सकते हैं। यदि आपके पास ज़मीन या मिट्टी अवेलेबल है तो इस प्रकार के भट्ठे लगा के बिना कोयले से भी मुर्गी के वेस्ट से पकाया जा सकता है। बट मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसा करें, क्योंकि थोड़ा रिक्सी भी रहता है ऐसा करना। लेकिन आप देख सकते हैं इस प्रकार भी ईंट पकाई जा सकती हैं। तो आपके एरिया के हिसाब से ईंट को लगाना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं की मिट्टी हार्ड रहती है और कहीं की मिट्टी एकदम लो क्वालिटी की रहती है। तो हर मिट्टी अपना ईंधन अलग अलग लेती है पकने के लिए या पकाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।